लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राहुल गांधी ने आज वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने वायनाड में रोड शो भी किया, जिसमें बहन प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी। रोड शो में वायनाड की जनता को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि उनका सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, आपका सांसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता, ना ही उस तरह सोचता हूं, बल्कि मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा मैं अपनी छोटी बहन प्रियंका के बारे में सोचता हूं। इसलिए वायनाड के घरों में मेरी बहनें, माताएं, पिता और भाई हैं, और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। राहुल ने आगे कहा, यहाँ पर मानव पशु संघर्ष का मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है। मैं इस लड़ाई में वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूँ। हमें मेडिकल कॉलेज पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। मैंने सीएम को पत्र लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से वह आगे नहीं बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार है और जब केरल में हमारी सरकार बनेगी तो हम इन मुद्दों को हल करेंगे। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने रोड शो की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज भाई राहुल गांधी जी के चुनाव नामांकन के उनके साथ वायनाड केरल में हूँ। कुछ महीने पहले भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता छीनकर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की थी, लेकिन संविधान की ताकत ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई ने महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र को वायनाड से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड में 4 लाख से भी बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार उन्हें कड़ी चुनौती मिल सकती है। इधर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं है। लाइक वी डू फ्रॉम ऑल फैमिलीज, आई हैव रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन, आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स। It has been an honor for me to be your member of parliament. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാടിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗമാകുന്നത് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. ഞാൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്റെ കൊച്ചു സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാം. ഇൻ ദ ഹൗസസ് ഓഫ് വയനാട് ഐ ഹാവ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഐ ഹാവ് മദേഴ്സ്, ഐ ഹാവ് ഫാദേഴ്സ്, ഐ ഹാവ് ബ്രദേഴ്സ്. And I thank you with the bottom, from the bottom of my heart for that. എനിക്ക് പ്രിയങ്ക ജി, പ്രിയങ്കയെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിലെ ഒരു ആ ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।